प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल एनकोडिंग, मतलब कि हमने डिजिटल डेटा को मतलब बिट्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की तीन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर दिस थिंग। ओके, तो इसको हम एनालॉग टू एनालॉग एनकोडिंग या मॉड्यूलेशन भी बोल सकते हैं। तो एनालॉग डेटा को ट्रांसमिशन मीडिया पर सेंड करने के लिए मतलब हमें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो पिछले बार की तरह जैसे डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ भी कैरियर सिग्नल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कैरियर वेव यूज होगी जिसको मॉड्यूलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनालॉग डेटा। तो कैरियर सिग्नल के एनालॉग डेटा के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ओके, तो हाँ, तो अब जो है कि हम ये सोच सकते हैं कि एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें ये है कि जो एनालॉग डेटा है वो कई बार सिंपली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं होता है। दे रिक्वायर द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब कि अगर हमारा बैंड पास चैनल है, ठीक है, या केवल मीडियम में बैंड पास चैनल अवेलेबल है, तो हमें ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल यूज करना पड़ेगा जिसके सपोर्ट से हमारा एनालॉग डेटा ट्रांसमिट होगा मीडियम में। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि कैरियर वेव यहाँ यूज करेंगे हम, और मेनली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव यूज करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव यूज करने का फायदा ये है कि जो इस वेव की या सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो हाई होगी, बिकॉज एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जिससे हमारा अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन इफेक्टिव होगा किसी भी सिग्नल की एनर्जी से, स्ट्रेंथ से, मतलब हम बोलते हैं ना कि सिग्नल वीक है, कमजोर है या कम है, तो दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेंथ और एनर्जी ऑफ द सिग्नल। ओके, तो इससे क्या होगा कि अगर सिग्नल हमारा स्ट्रेंथफुल है, बिग एनर्जी मतलब कि हायर एनर्जी के साथ है, तो एंटीना की जो रिक्वायरमेंट होगी वो छोटी होगी, मतलब कि हमें ज्यादा बड़ा टावर या किसी भी टाइप का एंटीना किसी भी फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट करता है। एंटीना इज द इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म बेसिकली, तो कंप्यूटर साइंस पीपल्स कैन नॉट वेरी वेल अंडरस्टैंड द एंटीना। हम लोग कंप्यूटर साइंस में केवल एंटीना से मतलब वो समझते हैं टीवी में या टावर में इस तरह का कोई सेटअप लगा हो। इनफैक्ट अवर मोबाइल डिवाइस, एवरी डिवाइस, एवरी कम्युनिकेटिंग डिवाइस विल बी हैविंग इट्स ओन इनबिल्ट एंटीना, ओके, फॉर सेंडिंग द सिग्नल। एंड रिसीविंग एंड पर भी एंटीना होता है, और इन बिटवीन टावर वगैरह लगे होते हैं, दे यूज द रिपीटर्स और जनरेटर्स जो हमारे सिग्नल को स्ट्रेंथ को बूस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर सिग्नल की पावर सफिशियंट है तो एंटीना की रिक्वायरमेंट कम होगी, स्मॉल साइज एंटीना विल बी सफिशियंट। ठीक है,
तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी इंप्लीमेंट हो जाता है एफडीए। अब मल्टीप्लेक्सिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मल्टीप्लेक्सिंग चैप्टर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है कि बहुत सारे सोर्सेस से सिग्नल को एक साथ मिक्स करके कंपोजिट सिग्नल बना के और ट्रांसमिशन मीडिया में के थ्रू सेंड किया जा सकता है। तो ये तो मैं बता चुका हूँ। तो एनालॉग डेटा को हम जब एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का हमें यूज करना है, मतलब कि डेटा को दूसरे फ्रीक्वेंसी सेट पर, ठीक है, मॉड्यूलेट करना है। और इसका एग्जांपल है जैसे ब्रॉडकास्ट रेडियो है, या पुराने टाइम में मतलब ओल्डर जो ब्रॉडकास्ट टीवी होते थे, सैटेलाइट टीवी वगैरह जैसे केबल टीवी आज के टाइम है, बट पहले के टाइम में एंटीना, शायद तुम लोगों ने शायद ही देखा हो कि घर की छतों पर एंटीना लगाते थे, ठीक है, तो टीवी वगैरह के लिए। तो दैट इज द एग्जाम्पल। तो जैसा मैंने बताया कि अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो है तो यह ट्रांसमिशन मीडिया मतलब अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया पे ट्रांसमिट नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसके कारण एंटीना की साइज बहुत बड़ा एंटीना चाहिए, जैसे पैराबोलिक एंटीना है, जैसे डिश एंटीना वगैरह जो घर की छतों पे लगाते हैं, जो केबल टीवी ऑपरेटर्स लगाते हैं, हाई पावर एंटीना। तो इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जो कि कैरियर सिग्नल के माध्यम से हमें मिलती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एफडीएम का मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसमें सिग्नल हमारे बहुत सारे सोर्सेस से एक साथ मल्टीप्लाई इंटरमिक्स करके उनको सेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज करेंगे, तीन टाइप की टेक्निक यूज करेंगे मॉड्यूलेशन के लिए। तो इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज करेंगे जिसकी डेफिनेशन है पीक कैरियर डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ भी हमारा प्रीवियस कन्वर्जन मतलब डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल में जो कन्वर्जन था उसी कन्वर्जन की तरह यहाँ भी जो मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है, इसको एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वो भी तीन मेथड हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियसली कि तीनों में जैसा कि नाम है एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और फेज, उसमें वही पैरामीटर यूज होता है हमारा मॉड्यूलेशन के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द पैरामीटर जनरली रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये तीन टाइप की जो टेक्निक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो हाई होनी होनी है, जो उसके कंपेरिजन में जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है या मतलब जो सिग्नल हमारा डेटा भी करेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और आफ्टर मॉड्यूलेशन की जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और फेस है वो सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड हमारा चेंज होगा कैरियर सिग्नल का अकॉर्डिंग टू द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। तो जो कंपाउंड रिजल्टिंग सिग्नल मिलेगा तो वो उस फॉर्म में वेरी करेगा, मतलब ऑब्वियसली वही चीज है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है,
दूसरा कैरियर सिग्नल होगा, और जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एनकोड करेगी। ठीक है, तो अब अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट सिग्नल की पावर तो इंक्रीज होगी बट बैंडविड्थ नहीं इंक्रीज होगी। बैंडविड्थ इन द सेंस कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि सपोर्ट करेगा ये ट्रांसमिशन, वो चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगी, बट सिग्नल की स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाएगी। तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी मतलब कैरियर सिग्नल कह सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इस तरह मिलेगा कि जो इसका एम्पलीट्यूड है कैरियर फ्रीक्वेंसी का वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जहां पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पीक छोटा है वहां पे कम एम्पलीट्यूड होगा, और जहां पे ये हाई है तो इट विल बिकम हाई लाइक दिस वे। ठीक है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है कैरियर सिग्नल, और ये फाइनल ऑब्टेंड मॉड्यूलेटेड, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो कि हमें मतलब एनकोडिंग या मॉड्यूलेशन के बाद मिला ग्रीन में जो दिखता है। इसको और डायग्राम से भी देख सकते हैं कि जैसे कोई ऑडियो वेव फॉर्म है और ये बीच वाले डायग्राम में कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा ओरिजिनल ऑडियो वेव फॉर्म है, इसको सेंड करना है तो इस कैरियर फ्रीक्वेंसी की हेल्प से जो फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला वो ये है जो ग्रीन में दिख रहा है, और जो ब्लैक डॉटेड लाइन दिख रही है लास्ट फिगर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिनल वेव फॉर्म जो हमारा ऊपर वाले डायग्राम से, तो ये ओरिजिनल वेव फॉर्म शो हो रहा है ब्लैक डॉटेड लाइन से, और ग्रीन जो है ये है हमारा एक्चुअल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि यहां भी एक मल्टीप्लायर यूज होगा जो इनपुट या मॉड्यूलेटेड मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को इंटरमिक्स कर देगा। मल्टीप्लायर विल टेक द इनपुट एज द मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस द फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये जो दिख रहा है राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पर, ये फाइनल ऑब्टेन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो जो आउटपुट सिग्नल हमारा जनरेट होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से वो इस तरह होगा कि वो एक मल्टीप्लाइकेशन होगा, कैरियर सिग्नल को मल्टीप्लाई करके, कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द डीसी कंपोनेंट प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। डीसी कंपोनेंट के बारे में शायद मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये है हमारा डीसी कंपोनेंट प्लस, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एन इंटू एक्स टी, एन जहां मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, ठीक है, तो और ये है कैरियर सिग्नल कॉस 2πfct, और फाइनल जो सिग्नल जनरेट होगा एस टी, दैट इज द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ बोथ। तो इन सभी टर्म्स की मीनिंग हम नेक्स्ट स्लाइड पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो फाइनल सिग्नल हमारा ऑब्टेन हुआ एस टी इक्वल्स टू 1 प्लस एन डॉट एक्स टी कॉस 2πfct। तो बेसिकली इस डिप्लोमा लेवल पे ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर बीटेक वगैरह के लिए थोड़ा सा डीप में इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। So I'm not going into the detail and deep to this formula, बस only के इसके जो meanings हैं different terms के वो हम यहाँ discuss कर लेते हैं।
XT क्या है, वही इनपुट नॉर्मलाइज सिग्नल है जो डेटा को कैरी कर रहा है, ठीक है। cos 2 पाई FCT ये कैरियर सिग्नल है नॉर्मलाइज, और N इंटू XT है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जहाँ N हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मतलब डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, और FC कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा ये क्या है कि रेशियो है हमारा इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल टू दैट ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो एन इंटू एक्स टी ये हमेशा इसका जो एन हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है तो वो हमेशा कम रहेगा, एम्पलीट्यूड हमेशा एन की वैल्यू लेस देन वन होगी। अगर एन की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाती है तो सिग्नल हमारा ओवर मॉड्यूलेटेड हो जाता है, मतलब डिस्टॉर्शन और थोड़ा इस तरह हो जाता है, कहीं पे स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, कहीं पे एकदम हाई हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट स्लाइड से हम शो कर रहे हैं। ये है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, सबसे ऊपर जो ब्लू लाइन दिख रही है, और ये कैरियर है अनमॉड्यूलेटेड है, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा जीरो है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं। तीसरे वाले डायग्राम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 0.5 है, जो प्रॉपर मॉड्यूलेशन दिख रहा है यूनिफॉर्म। अब मॉड्यूलेशन अगर 1 कर रहे हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो 1 में ये इस तरह आ जाएगा कि ये देखो बीच में एकदम एनर्जी गायब हो गई, सिग्नल एकदम कम हो गया और एकदम कहीं पे हाई हो गया, और 1 से अगर ज्यादा करेंगे तो ये देखो कि बीच में एनर्जी एकदम कम है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म है सिग्नल हमारा। तो ऑब्वियसली कि जो एन की वैल्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वो रिमेंस इट हैज टू रिमेन बिटवीन 0 एंड 1 ऑलवेज, नियर अबाउट 0.5-0.6 इज द बेस्ट वन। अब इसके एडवांटेज क्या है मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, कि इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और दूसरा ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा इस बार देखो दोनों के लिए यूज होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि नॉइज वगैरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं जो कि जनरली यूज होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या है नॉइज जनरली वो इंस्ट्रूमेंट की जो नॉइज है वो प्रॉब्लम करती है। तो सिग्नल जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ, और तो ऑब्वियसली कि जैसे मैंने बताया था कि सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इंक्रीज करने के लिए हम बूस्टर इन द फॉर्म ऑफ रीजनरेटर्स और एम्पलीफायर्स, रीजनरेटर्स डिजिटल के केस में यूज होते हैं और एम्पलीफायर्स एनालॉग के केस में यूज होते हैं। तो अगर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो एम्पलीफायर भी अपनी खुद की नॉइज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की कंपैरिजन में लीस्ट इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव, वैसे तो ठीक है बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज मोर इफेक्टिव देन द एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर दे देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑब्वियसली इसमें हमारा क्या है कि जो जब मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल जनरेट होगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कैरियर सिग्नल हमारा यूज होगा जो कि हायर फ्रीक्वेंसी का होगा,
इंफॉर्मेशन सिग्नल के करस्पॉन्डिंग। तो अब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैरियर सिग्नल की और रिजल्टिंग सिग्नल की, कि जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड्यूलेट हो रही है हमारी इनपुट सिग्नल के चेंजिंग वोल्टेज लेवल के हिसाब से या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के हिसाब से। तो जो रिजल्टिंग हमारा कंपाउंड सिग्नल मिलेगा, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होके मिलेगी, ठीक है, लेकिन पीक एम्पलीट्यूड और फेस वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, उसका फॉर्मूला मतलब आउटपुट सिग्नल इस तरह हमारा गवर्न होगा कि आउटपुट मॉड्यूलेटेड सिग्नल ए कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई डैश टी, जहां पर फाई डैश टी हमारा डेरिवेटिव फेज का डेरिवेटिव है, ठीक है, और ये एक्सप्रेस किया जाता है एन एफ इंटू एम टी, ठीक है। तो एन एफ हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और एम टी है इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, और कैपिटल ए है यहाँ पर कैरियर एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए, और एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी एज यूजुअल। तो इसको एक बार देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, कि ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है एज यूजुअल, जैसे हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यूज किया था, और इसके बीच में ये कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है। तो इस कैरियर सिग्नल में चेंजमेंट होगा इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेरिंग वोल्टेज के हिसाब से। तो जहां पे पीक एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस रेंज में फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ओके, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा सिग्नल की दैट विल हैव द हाई फ्रीक्वेंसी, एज द एम्पलीट्यूड इज लो सो फ्रीक्वेंसी विल बी लो अकॉर्डिंगली। सो this carrier signal will be modified according to the modulating signal as shown from the red curve, okay। So इसमें भी वही है कि voltage control oscillator use होगा जो हमारा modulating signal को लेगा carrier frequency को implement करेगा। ठीक, कोई भी नंबर पड़ा रहे दो फिगर का, यानी ध्यान नहीं दिया कौन सा नंबर का फिगर है। तो वही चीज में है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और नीचे एकदम टॉप बॉटम पे कैरियर सिग्नल है, तो उस कैरियर सिग्नल में चेंजमेंट होगा इस पर है इस सिग्नल के अकॉर्डिंग, जहां पे ये एम्पलीट्यूड पीक पर है वहां फ्रीक्वेंसी उस रेंज में ज्यादा होगी और जहां एम्पलीट्यूड लो है वहां फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो एक्चुअली सो फ्रीक्वेंसी चेंज इज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बेसिकली यहाँ वोल्टेज लेवल ही है, तो वोल्टेज लेवल की इंक्रीजिंग वोल्टेज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वोल्टेज के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अकॉर्डिंगली होगी, ओके। तो इसका एडवांटेज ये है, ये हमारा कि नॉइज और इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस से कम इफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। डिसएडवांटेज ये है
कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का शो करता है, तो इसके लिए हमारा बैंडविड्थ हायर होना चाहिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंपेयर में, बैंडविड्थ शुड बी हाई। और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो चैनल में ट्रांसमिट होंगे इस बैंडविड्थ के साथ, वो उससे कम होंगे जो सेम बैंडविड्थ के साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ट्रांसमिट होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये हायर बैंडविड्थ यूज करता है, और अगर सेम बैंडविड्थ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम यूज करें, ठीक है, तो जो सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो कम होंगे सेम ट्रांसमिशन मीडिया में अगर फ्लो कर रहे हैं एज कंपेयर टू द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके यूज, ठीक है, जो लो स्पीड मॉडम है वो FM टेक्निक यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल को FM सिग्नल में यूज करने के लिए। बाकी तो वही मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन में मॉडम्स वगैरह में यूज है इसका। अब तीसरा हम देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल मॉड्यूलेशन के टाइप हैं। एक इन जनरल एंगल मॉड्यूलेशन होता है, उसके दोनों टाइप हैं। तो फेज मॉड्यूलेशन में, जैसे हम उसमें भी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसमें क्या होगा कि जो आउटपुट सिग्नल का फेज होगा वो चेंज होके आएगा। ओके, फेज ऑफ द आउटपुट सिग्नल विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो इसमें भी वही है कि कैरियर सिग्नल का फेज हम मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में का जो चेंजिंग लेवल है, वोल्टेज चेंजिंग लेवल, उसके हिसाब से, यानी एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैरियर सिग्नल को इस तरह मॉड्यूलेट करते हैं कि फेज उसका चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि फेज मॉड्यूलेशन में कि पीक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की वो कांस्टेंट रहेगी फेज मॉड्यूलेशन के बाद, लेकिन इंफॉर्मेशन सिग्नल का हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, और कैरियर सिग्नल का फेज तो चेंज होना ही है क्योंकि ये फेज मॉड्यूलेशन। तो मैथमेटिकली हम फेज मॉड्यूलेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो इस तरह के फॉर्मूला से एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, ST = AC cos 2πfc + φt, जहां पर φt हमारा है NP × MT, NP फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स था, यहाँ NP फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। MT है इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AC कैरियर एम्पलीट्यूड और FC कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये कैरियर सिग्नल है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग साइन वेव सिग्नल है। तो इनके अकॉर्डिंग, मतलब कैरियर सिग्नल में जो चेंज होगा वो नीचे वाले डायग्राम से शो हो रहा है कि इसमें फेज भी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस चेंजिंग वोल्टेज लेवल यानी एम्पलीट्यूड, कि जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। बट हमारा फेज देखो यहाँ पर, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यहाँ फेज चेंज हो गया है, और यहाँ लास्ट में भी फेज चेंज हो रहा है। तो इसका एडवांटेज क्या है,
जो कंप्यूटर हमारे टेलीफोन सिस्टम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसमें इसका बेटर यूज है। ठीक है, कि डेटा लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी सेम बैंडविड्थ पर ज्यादा पावर मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा बैंडविड्थ अगर होगी तो FM और PM के लिए सेम पावर, मतलब FM और PM की सेम पावर पर ज्यादा बैंडविड्थ मिलेगी। इसका डिसएडवांटेज कि फेज मॉड्यूलेशन क्या है, कि दो सिग्नल की नीड होती है इसमें, दो सिग्नल की नीड होगी जिसमें आपस में फेज डिफरेंस हो। ठीक है, तो डिफरेंस पैटर्न और सिग्नल पैटर्न, दो तरह के सिग्नल की रिक्वायरमेंट यहाँ होगी। और यहाँ पे ये यूजर्स, इसमें क्या है, कलर टीवी में ब्रॉडकास्ट के लिए कलर इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज होता है। बाकी फेस शिफ्टिंग तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई था। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब सिंपलर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऑल्टरनेटिव में हम इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट। ओके, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर रिगार्डिंग एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, नाउ इफ समवन हैज एनी क्वेरी, ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग दिस।